चक्का जाम को लेकर हिसार में प्रशासन अलर्ट है। हिसार में क्या कुछ स्थिति है वो भी हम जानेंगे, लेकिन कुछ अहम जानकारी आपको दे दें कि आंदोलन के चलते 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं हिसार में। एसपी समेत 8 डीएसपी और प्लाटून तैनात कर दिए गए हैं हिसार में। हिसार में 10 कंपनी रहेंगी जान माल की सुरक्षा में तैनात यहां पर जो की गई है, और हांसी में पुलिस प्रशासन 10 जगह पर नाके लगाएगा ताकि यहाँ पर जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं चक्का जाम की स्थिति निर्मित होगी, लोगों को परेशानी होगी। तो इस बीच यहाँ पर जो चक्का जाम यहाँ पर किया जाएगा वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई हिंसक तस्वीरें ना आए, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसको देखते हुए पहले से पूरी रणनीति प्रशासन की ओर से बना ली गई है। ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। हिसार में 12 बजे से यहाँ पर चक्का जाम होगा, 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है किसान नेताओं की ओर से। किस तरह की तस्वीरें होंगी, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लोगों को परेशानी ना हो, वो देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हिसार से। महेश, हिसार में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी, क्या कुछ स्थिति है, और 12 बजे के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? हर तरफ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की तरफ से अच्छे खासे इंतजाम यहां पर रखे गए हैं। जिले के डेप्यूटी कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई है कि 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं आज के दिन को लेकर। जबरदस्त सुरक्षा घेरे यहां पर तैयार किए गए हैं। 10 कंपनियां यहां पर रखी गई हैं पुलिस फोर्स की, और 8 कंपनियों को तैनाती जो है ग्राउंड जीरो पर दी गई है, अलग अलग टोल प्लाजा और तमाम उन पॉइंट्स को जो पहले से आंदोलनकारियों की तरफ से चिन्हित किए गए हैं वहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। 2 कंपनियों को रिजर्व पुलिस लाइन में रखा गया है, जरूरत के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल 10 कंपनियों के हिस्से ये जिम्मेदारी रहेगी तमाम सुरक्षा इंतजाम को देखने की। 8 कंपनियां फील्ड में और 2 कंपनियां रिजर्व में रखी गई हैं। 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आंदोलनकारियों की तैयारियों की अगर बात करें तो तमाम जो हाईवेज हैं वो आंदोलनकारियों के कब्जे में रहेंगे, चाहे हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा की बात की जाए, लांधड़ी टोल प्लाजा की बात की जाए, चौधरीबाज टोल प्लाजा की बात की जाए। तमाम जो हिसार शहर के चारों तरफ लगने वाले टोल प्लाजा है वो आंदोलनकारियों के कब्जे में रहेंगे। बरवाला टोल प्लाजा भी आंदोलनकारियों के कब्जे में रहेगा। तो लिंक रोड्स को लेकर भी आंदोलनकारियों ने साफ ये बात कह दी कि उन्हें भी कब्जे में रखा जाएगा। तमाम जो महत्वपूर्ण हाईवेज हैं, तमाम जो स्टेट हाईवेज हैं वो आंदोलनकारियों के कब्जे में रहेंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी रोड को अल्टरनेट रोड की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या ट्रैफिक डाइवर्जन करने की पुलिस कोशिश करेगी तो ऐसे स्थानीय रोड्स को भी जो ग्रामीणों को ये कहा गया है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दें ताकि बंद पूरी तरीके से हिसार में कामयाब कहा जा सके। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं बंद को लेकर। जानकारी हम देते हैं हिसार से, ईसरवाल रोड साढ़वा कैमरी गांव के पास जो है आंदोलनकारी इसे ब्लॉक करने का काम करेंगे। हिसार तोशाम रोड को कवारी गांव के पास ब्लॉक किया जाएगा। हिसार हांसी रोड को रामायण टोल प्लाजा पर ब्लॉक किया जाएगा। हिसार बरवाला रोड को बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर ब्लॉक किया जाएगा। हिसार अग्रोहा रोड को लांधड़ी टोल प्लाजा पर ब्लॉक किया जाएगा। हिसार भातरा रोड को धीरणवास गाँव के पास ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा बरवाला अग्रोहा रोड को कुलेरी गांव के पास ब्लॉक किया जाएगा। बरवाला हांसी रोड को घिराए गांव के पास ब्लॉक कर लिया जाएगा। बरवाला उकलाना रोड को राजली गांव के पास ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा उकलाना टोहाना रोड को सूर्यवाला मोड़ पर आंदोलनकारी अपने कब्जे में ले लेंगे। हांसी तोशाम रोड की बात की जाए तो पपोसा गाँव के पास आंदोलनकारी इस रोड को अपने कब्जे में ले लेंगे। हांसी मुढाल रोड पर मुढाल गाँव के पास आंदोलनकारी अपना डेरा डालेंगे। हिसार मोटाखेड़ा रोड की अगर बात की जाए तो सीसवाल गांव के पास आंदोलनकारी से अपने कब्जे में लेने का काम करेंगे। हांसी नारनुंद रोड को माजरा प्याऊ गांव के पास आंदोलनकारी अपने कब्जे में लेंगे। हांसी बास रोड पर बड़ाला गांव के पास आंदोलनकारी डेरा डालेंगे। इसके अलावा हिसार सिवानी रोड को चौधरीबास टोल प्लाजा के पास आदमपुर में आंदोलनकारी रोकने का काम करेंगे। मुंढाल जींद रोड को बास गांव के पास आंदोलनकारी रोकने का काम करेंगे। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो अपने पॉइंट्स तय कर चुके हैं किन किन पॉइंट्स पर उन्हें डेरा डालने हैं और किस तरीके से पूरे हिसार के लाइफलाइन को रोक दिया जाएगा। ना सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट बल्कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, यानी एक इलाके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर जिले के अंतर्गत भी लोग जाने की कोशिश करेंगे तो उनके पॉइंट्स पहले से चिन्हित कर लिए गए हैं। आंदोलनकारी इन तमाम रोड्स पर अपना डेरा डालने का काम करेंगे। हालांकि एग्जेम्पशंस यहां पर दिए गए हैं, एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे, फायर ब्रिगेड को नहीं रोकेंगे और शादी वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा। और इम्तिहान देने, एग्जाम देने अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें भी
रोकने का काम आंदोलनकारियों की तरफ से किया जाएगा। जाएगा। महेश, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।